और मेरी माताएं बहनें जितने भी आई हुई है सभी को शिवा मलिक की यूपी के जिला शामली के गौ हल्दी करो दसे हुए सभी को हाथ जोड़कर राम राम। भाई मैं एक सोशल मीडिया पर वर्क करता हूँ, मतलब वीडियो बनाता हूँ समाज से रिलेटेड। सूरजमल जी ने अपने जीवन में 80 युद्ध लड़े, 80 के 80 युद्ध विजय हुए, सिर्फ उनकी डेथ हुई थी जो धोखे से उन्हें मारा गया था। हमारा समाज ऐसा समाज था जो अपने समाज के लिए बहन बेटी के लिए नहीं, दूसरे समाज की बहन बेटी की इज्जत के लिए भी लड़ते थे। एक ब्राह्मण की बेटी की इज्जत बचाने के लिए सूरजमल जी ने दिल्ली पर चढ़ाई कर दी थी, जो विजय फतह करी थी, और उस बेटी की अपने आप अपने पैसे से शादी भी करी थी, कन्यादान करा था। तो उस समाज से हम आते हैं, लेकिन आजकल हमारा समाज पता नहीं कहाँ जाता जा रहा है। समाज की बहन बेटियां सड़कों पर घसीटी जाती है और हमारे ही समाज के लोग उनका मजाक बना रहे हैं कि ये राजनीति कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। पार्टी अपनी जगह होती है, कोई किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ हो, मैं किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, लेकिन मैं समाज के हमेशा समाज के साथ खड़ा हुआ हूँ, चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, आरएलडी का हो, किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ हो। लेकिन मैं देख रहा था अभी जगदीश धनखड़ जी ने अपना भाषण दिया कि मेरी मजाक करना पूरे जाट समाज की मजाक हो गई, मतलब उनकी मिमिक्री करना पूरे जाट समाज की मजाक हो गई, और हमारी बहन बेटी वहां रो रही है मीडिया में आके, उनका मजाक बनाया जा रहा है, उनकी कोई इज्जत नहीं है ना उनकी कोई शर्म है। वे इंटरनेशनल लेवल पे इतनी बड़ी खिलाड़ी है, ओलंपिक में उन्होंने गोल्ड मेडल जीत रखा है, इंटरनेशनल 17 मेडल दे रखे हैं उन्होंने, उनका कोई नाम नहीं है इसमें। ये बताओ समाज की बदनामी हो रही है नहीं हो रही है? एक जगदीश धनखड़ जी की मिमिक्री करने को इतना बड़ा मुद्दा बना दिया जाता है, और हमारे समाज की बहन बेटी की इज्जत की कोई मायने नहीं होता, क्योंकि भाई जाट समाज आज के टाइम पे इतना बढ़ चुका है एक दूसरे की राजनीति के चक्कर में। मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है, राजनीति अपनी जगह रखो, जब समाज का मुद्दा हो तो सारे एक होकर लड़ा करो भाई। राम राम, जय हिंद, जय भारत। और मेरे भाई जितने भी भाई आवे, जय हिंद के साथ साथ जय जाट का नारा जरूर लगाए। जय जाट, महाराजा सूरजमल।